अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकरामी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जॉब्स 2024 ये एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए अप्लाई हो जाए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको www.aviation.gov.pk से मिल जाएगा। ये हवाई फायरिंग जॉब्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की है। इसकी जो लोकेशन है वो इस्लामाबाद में है। इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी से मिलेगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन इंस्पेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म की जो गाइडलाइन डायनेमिक है एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, अपॉर्चुनिटीज है, वैकेंसी पॉइंट है, वो सभी कुछ इसी वीडियो में शेयर कर रहे हैं हम आपसे। सबसे पहले तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जॉब्स लेटेस्ट। ये 25 अप्रैल 2024 को आई है। इसकी जो लोकेशन इस्लामाबाद और पाकिस्तान है, मीन इसमें इस्लामाबाद वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं और ख़ास तौर पर प्राइमरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक किस्म की फोर्थ क्लास जॉब समझ लें आप। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मई 2024 है। आपने 10 मई 2024 से पहले पहले अप्लाई कर लेना है। इसमें वैकेंसी की तादाद 8 है, 8 वैकेंसीज हैं। इसकी कंपनी का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। इसका एड्रेस है सेशन ऑफिस एडमिन, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, 8th फ्लोर, कोसार रोड, पाकिस्तान सेक्रेटरिएट, इस्लामाबाद। इसमें जो वैकेंसीज आई है वो LDC लो डिवीज़न क्लर्क, जो इंटरमीडिएट वाले के लिए है, वो 11वें स्केल की है। नैब कासद 1st स्केल की प्राइमरी पास। सिप्रो टाइपिस्ट 14वें स्केल की, ये इसकी भी अपग्रेडेशन होगी। स्टडी आपको आगे जाके बताते हैं। अविशन ऑफ मिनिस्ट्री वाइंटेड दी सर्विस ऑफ सिप्रो टाइपिस्ट 14वां स्केल, LDC 11वां स्केल और नैब कासद 1st स्केल की जो जॉब्स है वो आई हुई है। इसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट और प्राइमरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पंजाब वाले, सिंध वाले, बलोचिस्तान वाले, आज़ाद कश्मीर वाले और लोकल जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकता है, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो रिलेटेड है वो पाकिस्तान सिंगल विंडो जॉब्स है, SWP 2024 है। उसकी वेबसाइट है www.psw.gov.pk, पाकिस्तान सिंगल विंडोज। ये जो पाकिस्तान सिंगल विंडोज है इसमें सिर्फ इस्लामाबाद और कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान वाले नहीं कर सकते। लेकिन जो ये पोस्ट है हवाई फायरिंग वाली, एविएशन वाली, इसमें ऑल पाकिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं और मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है, जो डिटेल वगैरह है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। वेबसाइट है www.http://: क्या है, डबल स्लैश है, उसके बाद आ जाता है aviation aviation.gov.pk/jobs। इधर से कैंडिडेट जो भी होगा वो अपना फॉर्म डाउनलोड करेगा। बिफोर 10 मई से पहले पहले आपने डॉक्यूमेंट उधर पहुंचाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। या आज इससे एडवाइजमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने ये वैकेंसीज अनाउंस की है। सिप्रो टाइपिस्ट 14वें स्केल की जॉब है। इसमें 5 पोस्ट आई है। इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं और टाइपिंग स्पीड
40 से 81 मस्ट होनी चाहिए, और मस्ट भी कंप्यूटर रेक्टर कंप्यूटर में से जो पंजाब में मेरिट पर आई है 8 वैकेंसी, पंजाब में जो आया मोटेज या नॉन मुस्लिम आ गया वो 8 वैकेंसी, सिंध रूरल में 8 है मेरिट पर, बलोचिस्तान मेरिट 1 है, और आज़ाद कश्मीर मेरिट 1 है। एज लिमिट है इसकी 18 से 25 साल। इसके बाद आ जाता है LDC। LDC 11वें स्केल की जॉब्स है, इसमें 8 वैकेंसीज है, मैट्रिक पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, सिप्रो टाइपिस्ट की 40 से 80, और जो LDC है इसके 30 वर्ड। 3 वीक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, MS Office, Connected B, NITB की तरफ से होना चाहिए। इसमें सिर्फ पंजाब में ही या एक ही ऑफर मेरिट पर होगी। इसकी जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है। इसके बाद आ जाता है नैब कासद, 4 स्केल की जॉब्स, ये प्राइमरी पास है, इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसमें जो जॉब्स है, एक तो है लोकल बेस पर, दोनों जॉब्स इस्लामाबाद डोमिसाइल होना चाहिए, नैब का सच्चा सिर्फ, और 1 पोस्ट रिलेटिव फॉर डिसेबल पर्सन, एक पोस्ट डिसेबल पर्सन के लिए भी है, मतलब डिसेबल कोटा भी है इसमें। इसमें भी 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी दे सकते हैं, अनाउंसमेंट बॉडीज कॉर्पोरेशन ETC अप्लाई थ्रू, जो भी NOC के थ्रू अप्लाई होगा, नॉट ऑब्जेक्शन फॉर्म के थ्रू। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, इसमें TA DA वगैरह कुछ भी नहीं है। इसमें 5 ईयर की रिलैक्सेशन भी है सिविल पोस्ट पर, जो सिविल पोस्ट है उसके लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, ये सभी की सभी है ही सिविल पोस्ट, ये तीनों टाइप की सिविल पोस्ट ही है। और इसमें जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई करेंगे नेशनल जॉब पोर्टल की तरफ से विदिन 15 डेज NJP पर, ये ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाएगा, दरख्वास्त फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा NJP पर। और जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, अटैच CNIC कॉपी विदाउट एजुकेशन विद कॉपीज ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट के साथ 15 डेज में। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आल्सो भी डाउनलोड avation.gov.pk से भी डाउनलोड करके अपने एड्रेस पर भी भेजनी है, और ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, डबल अप्लाई है इसमें। और ये सब कुछ आपके सामने देख सकते हैं आप। इसका जो एड्रेस है सेक्शन ऑफिस एडमन मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, 8th फ्लोर कोसार ब्लॉक 5 सेक्टरियल सेक्टरीट इस्लामाबाद। फोन नंबर है इनका 0519924140। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।